दोस्तों यह है कनाडा के रहने वाले डेरेक सिमनेट जो एक वीगन एथलीट है। और क्या आपको पता है कि इतनी मस्कुलर बॉडी बनाने वाले डेरेक अपने पोस्ट वर्कआउट में यानी व्यायाम के बाद क्या खाते हैं और कितना प्रोटीन लेते हैं? तो अब आपको लगने वाला है बहुत बड़ा झटका जब आपको ये पता चलेगा कि डेरेक अपने व्यायाम के बाद एक सिंपल सी स्मूदी लेते हैं जिसमें होते हैं 5 केले, 2 खजूर, 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, 2 चम्मच हेम्प सीड्स यानी भांग के बीज, ढेर सारी हरी सब्जियां, फिर 1/2 चम्मच हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च बस। फिर इन सब के साथ पानी मिलाकर बन जाती है इनकी पोस्ट वर्कआउट स्मूदी। अभी स्मूदी में है करीब 900 कैलोरीज और प्रोटीन है सिर्फ 14 से 15 ग्राम। और कभी कभी तो डेरेक बिना हेम्प सीड्स के ही स्मूदी बना लेते हैं यानी तब इसमें प्रोटीन और भी कम हो जाता है। लेकिन डेरेक की बॉडी देखकर आप समझ सकते हो कि इनके शरीर पर मसल्स की मात्रा कितनी ज्यादा है। तो ये डेरेक का एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया है ताकि आपको प्रोटीन का सच पता चले। आज कई सारे फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि प्रोटीन ही सब कुछ है, हमें दिन भर में बहुत सारा प्रोटीन लेना चाहिए, वो भी नॉनवेज और वे प्रोटीन से लेना चाहिए, नहीं तो घर के खाने से तो बॉडी बन ही नहीं सकती। तो उनके हिसाब से तो डेरेक की बॉडी बननी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि वो एक वीगन होने की वजह से ना तो नॉनवेज खाते हैं ना ही वे प्रोटीन लेते हैं। उनके पूरे दिन की डाइट में फल, खजूर, नट्स, सीड्स, हरी सब्जियां, बस यही सब प्राकृतिक खाना होता है। लेकिन फिर भी डेरेक की बॉडी पर तो मसल्स का भंडार है। हालांकि आजकल डेरेक अपनी स्मूदी में 1 चम्मच प्लांट प्रोटीन लेते हैं जो पूरी तरह से प्राकृतिक है, पेड़ पौधों से ही बना होता है। और वो भी उन्होंने सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि जब उनके चैनल की ग्रोथ तेजी से हो रही थी तब उन्हें प्लांट प्रोटीन की स्पॉन्सरशिप मिलने लगी थी और वो खुद एक प्लांट प्रोटीन ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो डेरेक जो प्लांट प्रोटीन यूज करते हैं जिसके वो खुद ब्रांड एम्बेसडर है, वो मूंगफली, हेम्प सीड्स और कीनवा जैसे प्राकृतिक चीजों से बना प्रोटीन है। यानी उन्होंने सप्लीमेंट भी लिया तो नेचुरल ही लिया। दोस्तों डेरेक ने साबित कर दिया है कि सिर्फ प्राकृतिक खाने से यानी फल, खजूर, नट्स, सीड्स, सब्जियां, चावल और दालों से एक तगड़ी बॉडी बनाई जा सकती है, वो भी आसानी से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही हो और आपको अपनी हाइट बढ़ानी हो तो हमारी अगली वीडियो उसी टॉपिक पर होने वाली है, वो भी 100% गारंटीड और मेल फीमेल दोनों के लिए। पहले मुझे भी लगा था कि हाइट बढ़ने की गारंटी मैं तो क्या कोई भी नहीं दे सकता, पर जब मैंने इसकी रिसर्च शुरू की तब मैं देखकर दंग रह गया कि हाइट तो सच में बढ़ती है। बस कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना क्योंकि पूरे यूट्यूब पर हाइट बढ़ाने पर इतनी डिटेल्ड और ज़बरदस्त वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ओके, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 17 प्री वर्कआउट और 21 पोस्ट वर्कआउट ऑप्शंस। और वैसे तो मैं खाने को प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स ये सब गिन कर खाना कभी भी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार हमारा आहार सिर्फ इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तक सीमित नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा विशेष होता है। पर फिर भी आपके लिए मैंने हर एक पोस्ट वर्कआउट मील के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी बताए हैं ताकि आपको भी पता चले कि हमारे घर के खाने में कितना सारा प्रोटीन है। तो दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं प्री वर्कआउट की। तो क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बेस्ट प्री वर्कआउट कौन सा है? तो वो है पानी। अरे इतना शौक मत होना यार, अभी बताता हूँ क्यों पानी है दुनिया का सबसे बेस्ट प्री वर्कआउट। तो वो इसीलिए क्योंकि हमारे शरीर को ऐसी स्पेसिफिक प्री वर्कआउट की कोई ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, देखो अगर आप सुबह 4 या 5 बजे उठ के वर्कआउट करते हो तो क्या आप उठते ही कोई मील लोगे? नहीं ना, क्योंकि इतनी सुबह हमें इतना टाइम कहाँ होता है कि कोई मील बनाए, और बना भी ली तो फिर उसे डाइजेस्ट होने के लिए और 1 घंटा वेट करो। इसलिए सुबह वर्कआउट करने वालों को उठते ही सबसे पहले तांबे या मिट्टी के बर्तन का पानी पीना चाहिए। आप हल्का गुनगुना पानी भी पी सकते हो, यही आपका प्री वर्कआउट होगा। फिर उसके बाद अच्छे से फ्रेश वगैरह होकर आप सीधे वर्कआउट कर सकते हो। दोस्तों भगवान ने हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनाई है। पिछले दिन आपने जो आखिरी मील यानी रात का खाना खाया होगा या अगर देसी गाय का दूध पीकर आप सोए होंगे तो वो आपको सुबह भी एनर्जी देगा। ऐसा नहीं होता कि रात को खाना खाया और तुरंत वो शरीर में लग जाएगा, नहीं। और वैसे भी इतनी सुबह व्यायाम से पहले अगर आपने कोई मील खा भी ली तो इतनी सुबह सूर्यदेव तो उगते नहीं, तो हमारी डाइजेस्टिव फायर भी बिल्कुल लो होती है जिससे वो मील इतनी सुबह वैसे भी नहीं पचेगी और वर्कआउट करते वक्त पेट भरा का भरा ही रहेगा। इसलिए जो लोग सुबह सुबह व्यायाम करते हैं वो सिर्फ पानी पीकर फ्रेश होकर सीधे ही वर्कआउट करें। और हाँ, पानी और वर्कआउट के बीच 15 मिनट का गैप जरूर रखें जिसके बीच में आप फ्रेश वगैरह हो सकते हो। ओके, तो ये खाली पेट वर्कआउट सिर्फ वही लोग नहीं कर सकते जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, जिन्हें हम जैसे नॉर्मल व्यायाम करने वालों से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा कैलोरीज लेनी होती है पूरे दिन में। तो अब बात आती है उन लोगों की जो एकदम सुबह नहीं, थोड़ी लेट या शाम को वर्कआउट करते हैं, तो उन्हें भी ऐसे स्पेसिफिक प्री वर्कआउट मील की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अगर रात का खाना आपको 8 घंटे की नींद के बाद भी सुबह एनर्जी देता है तो शाम के वर्कआउट के लिए आपको दोपहर का खाना भी तो एनर्जी देगा। सपोज़ आपको 5 या 6 बजे वर्कआउट करना है तो दोपहर को 1 या 2 बजे आपने खाना तो खाया ही होगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि एक अच्छी बड़ी थाली होगी घर की खाने की जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये सब होगा, तो उसकी ताकत आपको शाम के वर्कआउट में भी मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको वर्कआउट से 1-1.5 घंटे पहले कुछ प्री वर्कआउट मील लेनी है तो आपको टोटल 17 जबरदस्त और एकदम सस्ते प्री वर्कआउट ऑप्शंस देता हूँ।
तो ऑप्शन नंबर एक में आप 5 मुनक्के लेकर उन्हें 1 ग्लास पानी में 8 घंटे तक भिगोकर वर्कआउट से पहले ले सकते हो। इसे आपको व्यायाम के 1 घंटे पहले लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप व्यायाम के 20 मिनट पहले ले सकते हो। इससे आपको कमाल की एनर्जी मिल जाएगी, वो भी तुरंत। और सुबह सुबह वर्कआउट करने वाले भी सिर्फ पानी की जगह उसी पानी में मुनक्के भिगो कर ले सकते हैं। आपको पहले पानी पी लेना है और पीछे से मुनक्कों को चबा चबा कर खा लेना है। अब ऑप्शन नंबर दो में आप एक मीडियम साइज का आलू ले सकते हो उबाल कर। आप चाहो तो उसे मैश करके उसमें चाट मसाला या काला नमक और जीरा पाउडर डालकर वर्कआउट से आधे घंटे पहले ले सकते हो। अब ऑप्शन नंबर तीन में आपके लिए कई सारे ऑप्शन हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। सबसे पहले तो 2 केले आप ले सकते हो, या 1 अनार, 2 सेब, 2 संतरे, 1 अमरूद, 2 चीकू, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो। बेसिकली आपको सीजन में जो भी फल होंगे उन्हें लेना है। फलों की नेचुरल शुगर आपको व्यायाम में बहुत तगड़ी एनर्जी देगी, तो इन्हें आपको व्यायाम से आधे से 1 घंटे पहले लेना है। अब ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपको 1 ग्लास चुकंदर का जूस लेना है, जिसे बीट रूट कहते हैं, और उसमें 1 चम्मच अदरक का रस मिलाना है और व्यायाम के 1 घंटे पहले लेना है। इस प्री वर्कआउट जूस को लेते ही आपको इतना तगड़ा पंप मिलेगा व्यायाम करते वक्त कि आप नॉर्मल से ज़्यादा ही वर्कआउट कर सकोगे। तो अब है ऑप्शन नंबर 5 की बारी, तो इसमें आपको लेनी है 1 कप कॉफ़ी, लेकिन उसमें चीनी नहीं मिलानी आपको। पर बिना मीठे के कॉफ़ी तो कॉफ़ी लगेगी नहीं, तो आप उसमें धागे वाली मिश्री या देसी खांड मिला सकते हो, और थोड़ी ज़्यादा मीठी कॉफ़ी भी बना लोगे तो भी चलेगा। अब ये आपको लेनी है वर्कआउट से 15 मिनट पहले। अब ऑप्शन नंबर 6 की बात करें तो इसमें आपको लेनी है 8 घंटे पानी में सोक की हुई हरी मूंग, और इसे आपको थोड़ा सा ही लेना है, जितना कि एक बार में आपकी मुट्ठी में आ जाए उतना, या एक छोटा कप भर के जिसमें आप चाय या कॉफ़ी पीते हो उतना। आप मूंग के साथ 2-4 छोटे टुकड़े अदरक भी ले सकते हो, जिससे ये पचने में और भी आसान हो जाएगा। अब इसे आपको अच्छे से चबा चबा कर खाना है, इतना कि मुंह में ही लिक्विड बन जाए, और बाकी सारी चीज़ें भी आपको ऐसे ही खानी चाहिए अच्छे से चबा चबा कर। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 7, तो इसमें आप गुड़ और पोहा ले सकते हो, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आपको एक पैन में थोड़ा सा गुड़ लेकर उसमें थोड़ा पानी डालना है। अब गुड़ उस पानी में पिघल जाते ही उसमें थोड़े से पोहे मिलाने हैं। पोहे की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, आप चाहो तो इसमें 2-4 काजू भी डाल सकते हो। और 2 मिनट पकाने के बाद ये बन गया आपका देसी प्री वर्कआउट मील, जिसे आप व्यायाम के 1 घंटे पहले ले सकते हो। अब ऑप्शन नंबर 8 है गुड़ और भुने हुए चने, जिन्हें हम सब ने बचपन में जरूर खाया है। आप अपने हिसाब से गुड़ और चने की क्वांटिटी ले सकते हो। इसमें आपको प्रोटीन और कार्ब्स के साथ ही गुड़ में जो मिनरल्स होते हैं वो भी मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको देसी गुड़ लेना होगा, जो कि काला होता है ना कि पीला। अब आपके लिए मैंने एकदम शुद्ध मिश्री, गुड़, देसी खांड और बाकी सारी चीज़ें जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है उनका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से खरीद सकते हो, या फिर आपकी नज़दीकी किसी भी ऑर्गेनिक शॉप से आप ले सकते हो। और ऑर्गेनिक ना भी मिले तो जो है वही खा लेना, टेंशन मत लेना, बस वर्कआउट अच्छे से करना। अब ऑप्शन नंबर 9 में भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, वो भी एकदम टेस्टी। तो इसमें आपको लड्डू लेने हैं जो हमारे घर पर बनते हैं, वो जैसे कि बेसन का लड्डू, सूजी का लड्डू, ओट्स, तिल या राजगिरा के लड्डू, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। बेसिकली आपको कोई भी लड्डू लेने हैं, 1 या 2, बस इतना याद रखना कि लड्डू में डालडा की जगह देसी घी हो और चीनी की जगह गुड़, मिश्री या देसी खांड हो, जैसे ट्रेडिशनली हमारी दादी बनाती थी वैसे। तो ये आपको लेने हैं वर्कआउट से 1 घंटे पहले। अब ऑप्शन नंबर 10 और ऑप्शन नंबर 11 एक ही चीज़ से बनेंगे, और वो चीज़ है सूजी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 10 है सूजी का मीठा हलवा, जिसे शीरा भी कहते हैं, और ऑप्शन नंबर 11 है उसी सूजी का नमकीन वर्जन यानी उपमा। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपको व्यायाम के 1 घंटे पहले लेने हैं। अब ऑप्शन नंबर 12 सबसे चटपटा ऑप्शन है, और ये है 1 प्लेट कांदे पोहे, वो भी ऊपर से नींबू निचोड़े हुए, क्यों आया ना मुंह में पानी। और ये भी आपको वर्कआउट से 1 घंटे पहले ही लेने हैं। तो दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि ये सब प्री वर्कआउट में कौन लेता है, तो भाई क्यों नहीं ले सकते, हमें व्यायाम में क्या चाहिए, एनर्जी। और वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो हम बस अंडे या वे प्रोटीन से ही ले, ये हमारे देसी ऑप्शंस भी तो एनर्जी के भंडार है। तो अब हम ऑप्शन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, तो ये है गुड़ चावल। ये रेसिपी हमारे फिट ट्यूबर भाई ने भी बताई थी अपने एक वीडियो में, लेकिन ये भारत की बहुत पहले से चली आ रही एक ट्रेडिशनल डिश है। आपको थोड़े से पके हुए चावल लेकर उसमें 1 चम्मच देसी घी डालना है, और फिर 2 चम्मच शक्कर डालनी है। अब इसे मिक्स करके बन गई आपकी पावरफुल प्री वर्कआउट मील। तो अब ऑप्शन नंबर 14 में आपको लेनी है नारियल की गिरी, जिसे आपको गुड़ के साथ खाना है। आपने देखा ही होगा कि नारियल और गुड़ का कॉम्बिनेशन गणपति बाप्पा के मोदक में भी होता है, तो आप ही सोचिए कि कितनी ज़्यादा ताकत होगी इसमें। अब नारियल की गिरी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें गुड़ के भी टुकड़े करके मिलाकर ले सकते हो। इसे भी आपको व्यायाम के 1 घंटे पहले ही लेना है। अब ऑप्शन नंबर 15 है मीठी रोटी। तो हमें 1 रोटी लेनी है और उस पर 1 चम्मच देसी घी लगाना है, फिर उस पर 1 या 2 चम्मच शक्कर अच्छे से स्प्रेड करनी है। अब आप इसे सीधे रोल करके खा सकते हो, या इसे चूरा करके भी खा सकते हो, या आपके ऊपर है। बस इसे आपको व्यायाम के 1 नहीं 1.5 घंटे पहले खाना होगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 16 एकदम इजी है। आपको लेनी है 4 चम्मच दही, जो कि देसी गाय के दूध से बनी हो, और 1 चम्मच शहद या मिश्री पाउडर। ये एक सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा पौष्टिक ऑप्शन है, इसे आप वर्कआउट से आधे घंटे पहले ले सकते हो। अब सबसे लास्ट यानी ऑप्शन नंबर 17, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है
और साथ ही ढेर सारी एनर्जी भी देगा आपको। तो यह है 2 चम्मच देसी घी। जी हाँ, आप वर्कआउट से आधे घंटे पहले 2 चम्मच देसी घी एज अ प्री वर्कआउट ले सकते हो। बस इतना याद रखना कि घी भारतीय नस्ल की देसी गाय के दूध से बना हो और वो भी वैदिक बिलोना पद्धति से। तो दोस्तों, यहाँ हमारे 17 प्री वर्कआउट ऑप्शंस पूरे हुए। अब इन 17 के अलावा एक और सीक्रेट ऑप्शन भी है, जिसे एक्चुअली प्री वर्कआउट तो नहीं कह सकते क्योंकि इसे आपको खाना नहीं है, पर वो सीक्रेट चीज़ आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी देगी कि आप वर्कआउट करते हुए दंग रह जाओगे। तो उस सीक्रेट चीज़ के बारे में और उसे कैसे यूज़ करते ये जानने के लिए आपको इस वेट गेन सीरीज़ का पार्ट 2 देखना होगा, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब बार ये दिन के सबसे इंपॉर्टेंट मील यानी पोस्ट वर्कआउट मील की। दोस्तों, पोस्ट वर्कआउट मील्स के मैं आपको 2-4 नहीं बल्कि पूरे 21 ऑप्शंस देने वाला हूँ, जिसमें ऑप्शन नंबर 7 मेरा सबसे फेवरेट है। आई एम श्योर आपको भी जरूर पसंद आएगा। तो ये पोस्ट वर्कआउट मील्स आपको व्यायाम के बाद, नहाने के बाद आधे घंटे के अंदर ले रहे हैं, जिससे खाने का हर एक दाना मसल में कन्वर्ट हो जाए। तो शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से। तो आप इन सब ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन 100 ग्राम की मात्रा में लेकर पानी में उसे रात भर भिगोकर उसे उबाल कर ले सकते हो। हर एक के न्यूट्रिशन स्टैट्स भी दिए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हो। अब ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो इसमें हमें 3 चीज़ें लगेंगी, 50 ग्राम चने, 50 ग्राम हरी मूंग और 20 ग्राम किशमिश। हमें चने और मूंग दोनों को ही भिगो कर लेना है। इस मील में आपको मिलेंगे करीब 450 कैलोरीज, 21 ग्राम प्रोटीन, 77 ग्राम कार्ब्स और 3 ग्राम के करीब फैट। अब ऑप्शन नंबर 3 है चना मूंगफली की चाट। इसमें हमें लेने हैं 50 ग्राम चने, 50 ग्राम मूंगफली, 1 प्याज और 1 टमाटर। चने और मूंगफली को उबालकर उसमें प्याज और टमाटर काटकर मिला देने हैं। अब इसमें चाट मसाला या काला नमक मिलाकर आपकी पोस्ट वर्कआउट चना चाट रेडी है। इसमें आपको मिलेंगे करीब 511 कैलोरीज, 23 ग्राम प्रोटीन, 48 ग्राम कार्ब्स और 27 ग्राम फैट। अब ऑप्शन नंबर 4 में हमें लेना है 500 ml यानी 2 ग्लास देसी गाय का दूध। और ये 2 ग्लास इसीलिए क्योंकि इसे हमें लेना है शाम के वर्कआउट के बाद 8 या 9 बजे, और इस दिन आपको खाना स्किप कर देना है। जी आप ऐसा भी कर सकते हो किसी दिन। 500 ml दूध को आपको गर्म करना है, फिर इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालकर 1 उबाल लाना है। अब इसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी मिलाना है और अच्छे से फेंट कर पीना है। दोस्तों, ये ना सिर्फ आपका पोस्ट वर्कआउट है बल्कि आयुर्वेद के अनुसार ये हमारे शरीर के लिए एक ज़बरदस्त टॉनिक है, जो तीनों दोषों को बैलेंस कर देता है और मसल्स भी बनाता है। तो इसमें हमें मिलेंगे करीब 459 कैलोरीज, 16.6 ग्राम प्रोटीन, 27 ग्राम कार्ब्स और 32 ग्राम फैट, जो कि बहुत ही हेल्दी फैट है जो दूध और घी से आ रहा है। अब ऑप्शन नंबर 5 में हमें एक स्मूदी बनानी है, जिसमें हमें टोटल 4 चीज़ें लगेंगी, 75 ग्राम मूंगफली, 20 ग्राम फ्लैक्स सीड्स, 2 केले और 2 खजूर। इनमें से मूंगफली और फ्लैक्स सीड्स को हमें 8 घंटे तक भिगो कर लेना है। अब इन चारों चीज़ों को मिक्सर में पीस कर स्मूदी बना लेनी है। आपको अपने हिसाब से इसमें पानी मिलाना है। अब इस स्मूदी से हमें मिलेंगे करीब 893 कैलोरीज, 27 ग्राम प्रोटीन, 51 ग्राम कार्ब्स और 44 ग्राम फैट। ऑप्शन नंबर 6 की बात करें तो ये भी एक स्मूदी है। इसमें भी हमें 4 चीज़ें ही लेनी हैं, 50 ग्राम ओट्स, 20 ग्राम फ्लैक्स सीड्स, 50 ग्राम मूंगफली, 20 ग्राम गुड़ या मिश्री। इसमें भी हमें मूंगफली और फ्लैक्स सीड्स को 8 घंटे भिगो कर लेना है और ओट्स को सिर्फ 10 मिनट तक भिगो कर लेना है। इन चारों चीज़ों को मिक्सी में पीस कर बन गई हमारी टेस्टी ओट स्मूदी। इसमें हमें मिलेंगे करीब 654 कैलोरीज, 25 ग्राम प्रोटीन, 64 ग्राम कार्ब्स और 36 ग्राम फैट। अब ऑप्शन नंबर 7, जो कि मेरी सबसे फेवरेट रेसिपी है और ये भी एक स्मूदी ही है, लेकिन इसमें पिछली दोनों स्मूदीज से कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन भी। तो इसमें हमें लेनी है टोटल 5 चीज़ें, 4 केले, 75 ग्राम मूंगफली, 20 ग्राम फ्लैक्स सीड्स, 20 ग्राम तिल के बीज और 20 ग्राम मिश्री। अब इन 5 चीज़ों को मिक्सी में पीसकर हमें स्मूदी बनानी है और अपने हिसाब से इसमें पानी डालना है। अब इस पावरफुल स्मूदी में हमें मिलेंगे करीब 1147 कैलोरीज, 32 ग्राम प्रोटीन, 147 ग्राम कार्ब्स और 54 ग्राम फैट। अब ऑप्शन नंबर 8 है छोले चाट, जिसके लिए हमें लेने हैं 100 ग्राम छोले और 30 ग्राम मूंगफली। दोनों को ही 8 घंटे हमें भिगो कर लेना है और साथ ही 1 प्याज और 1 टमाटर भी लेना है। अब चाट बनाने के लिए छोले और मूंगफली को उबाल कर उसमें प्याज और टमाटर बारीक काट कर डालने हैं और साथ में चाट मसाला या काला नमक डालकर बन गया हमारा पोस्ट वर्कआउट छोले चाट। इसमें हमें मिलेंगे करीब 582 कैलोरीज, 29 ग्राम प्रोटीन, 80 ग्राम कार्ब्स और 20 ग्राम के करीब फैट। अब ऑप्शन नंबर 9 है हाई प्रोटीन उपमा। इसमें हमें लेना है 100 ग्राम दलिया या 100 ग्राम रवा यानी सूजी। साथ ही क्योंकि हमें हाई प्रोटीन उपमा चाहिए, इसीलिए 50 ग्राम मूंगफली हमें लेनी है। अब नॉर्मली जैसे उपमा बनता है वैसे ही हमें बना लेना है, और इस हाई प्रोटीन उपमा में हमें मिलेंगे करीब 815 कैलोरीज, 26.5 ग्राम प्रोटीन, 88 ग्राम कार्ब्स और 40 ग्राम के करीब फैट। अब ऑप्शन नंबर 10 है सत्तू का शेक। सत्तू आपको पता ही होगा, जो कि चने से बनता है और बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। प्रोटीन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इस शेक में हमें टोटल 4 चीज़ें लगेंगी, 75 ग्राम सत्तू पाउडर, 20 ग्राम अलसी के बीज,
50 ग्राम मूंगफली और 25 ग्राम मिश्री। अब इन चारों चीज़ों को मिक्सर में पीसकर और इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर बन गया हमारा हाई प्रोटीन सत्तू शेक, जिसमें है करीब 803 कैलोरीज, 35 ग्राम प्रोटीन, 84 ग्राम कार्ब्स और 36 ग्राम फैट। ऑप्शन नंबर 11 की बात करें तो यह है बेसन का चीला। हमें लेना है 100 ग्राम बेसन, एक प्याज, एक टमाटर, थोड़ी सी हल्दी और जीरा पाउडर और सेंधा नमक। अब 100 ग्राम बेसन से मीडियम साइज के 3 चीले बन जाते हैं। अब इस हाई प्रोटीन रेसिपी में हमें मिलेंगे करीब 641 कैलोरीज, 24 ग्राम प्रोटीन, 71 ग्राम कार्ब्स और 27 ग्राम फैट। अब ऑप्शन नंबर 12 की बात करें तो हमें एक आखिरी स्मूदी बनानी है जिसमें सिर्फ 3 चीज़ें होंगी, 100 ग्राम ओट्स, मूँगफली 50 ग्राम और 3 केले। इन तीनों चीज़ों को मिक्सी में पीसकर बन जाएगी एक पावरफुल स्मूदी जिसमें हमें मिलेंगे ऑलमोस्ट 1000 कैलोरीज, 32 ग्राम प्रोटीन, 155 ग्राम कार्ब्स और 31 ग्राम फैट। अब ऑप्शन नंबर 13 में आप दलिया खिचड़ी ले सकते हो, जिसके लिए हमें चाहिए 50 ग्राम दलिया, 50 ग्राम मूंग दाल, 1 चम्मच घी और 30 ग्राम मूंगफली। दोस्तों, ये खिचड़ी आपको वैसे ही बनानी है जैसे नॉर्मली बनती है। आप YouTube पे कोई भी एक वीडियो देख सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि प्रेशर कुकर की जगह किसी खुले बर्तन में बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसके न्यूट्रिएंट्स बने रहेंगे। दोस्तों, इस हाई प्रोटीन खिचड़ी में हमें मिलेंगे करीब 657 कैलोरीज, 27 ग्राम प्रोटीन, 71 ग्राम कार्ब्स और 30 ग्राम के करीब फैट। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 14 सबसे इजी है और कम से कम बजट वाले भी इसे ले सकते हैं। इसमें हमें लेनी है 3 रोटियां, एक बड़ा आलू उबला हुआ और 50 ग्राम हरी मूंग जिसे भिगोकर उबाल कर लेना है। अब आलू को मैश करके उसमें उबली हुई हरी मूंग मिला देनी है, साथ में जीरा पाउडर और काला नमक या चाट मसाला डालकर एक सब्जी की तरह इसे आप रोटी के साथ खा सकते हो। इस पोस्ट वर्कआउट मील में हमें मिलेंगे करीब 668 कैलोरीज, 28 ग्राम प्रोटीन, 138 ग्राम कार्ब्स और 3.6 ग्राम फैट। अब ऑप्शन नंबर 15 थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें लेना है मूंग और दही का कॉम्बिनेशन। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार दही के जो 5 बेस्ट फ्रेंड्स है उनमें से एक मूंग भी है और इन दोनों के गुण एक दूसरे से अलग होने के कारण यह एक बैलेंस्ड मील बन जाती है। हमें 100 ग्राम मूंग को उबाल कर लेना है और उसमें 200 ग्राम दही मिलानी है। अब इसमें थोड़ा सा काला नमक और जीरा पाउडर डालकर हमें व्यायाम के बाद इसे लेना है। दो ताकतवर चीज़ों का कॉम्बिनेशन होने से ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मील बन जाती है। इसमें हमें मिलेंगे करीब 472 कैलोरीज, 32 ग्राम प्रोटीन, 73 ग्राम कार्ब्स और 7.8 ग्राम फैट। अब ऑप्शन नंबर 16 की बात करें तो यह है प्रोटीन खीर, जो कि है उड़द दाल की खीर। ये ना सिर्फ शुक्र धातु को नरिश करके वीर्य बढ़ाएगी बल्कि मांसपेशियों को बड़ा करना तो इस खीर की खास विशेषता है। तो इस खीर को बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम उड़द की दाल, 400 ml देसी गाय का दूध, 2 चम्मच घी और 50 ग्राम मिश्री। सबसे पहले पैन में घी डालकर उसमें रात भर भिगोकर रखी उड़द की दाल को अच्छे से भून लेना है। उसके बाद उसमें दूध मिलाकर गाढ़ा होने तक उबालना है। फिर इसमें पिसी हुई मिश्री मिलाकर 1 मिनट और पकाना है और ये हमारी पावरफुल खीर हुई तैयार। दोस्तों, ये खीर न्यूट्रिशन से भरी होने के कारण पचने में थोड़ी हैवी होती है, तो इसे अगर आप ले रहे हो तो आपका वर्कआउट एकदम तगड़ा होना चाहिए। इस खीर से हमें मिलेंगे करीब 1045 कैलोरीज, 38 ग्राम प्रोटीन, 125 ग्राम कार्ब्स और 42 ग्राम फैट। अब ऑप्शन नंबर 17 है छोले राइस। तो इसमें हमें लेने हैं 100 ग्राम छोले और 30 ग्राम मूंगफली, दोनों को ही रात भर भिगो कर रखना है। साथ ही 1 चम्मच तिल का शुद्ध तेल, 1 प्याज और 1 टमाटर, साथ ही 300 ग्राम पके हुए चावल। तो सबसे पहले तेल को गर्म करके उसमें प्याज, टमाटर, अपने मन चाहे मसाले और सेंधा नमक डालना है। फिर छोले और मूंगफली को अलग से उबाल कर उसमें मिला देना है। 2 मिनट बाद उसमें चावल डालकर 2 मिनट और पकाना है और बस आपके छोले राइस रेडी है। इसमें हमें मिलेंगे करीब 1101 कैलोरीज, 37 ग्राम प्रोटीन, 164 ग्राम कार्ब्स और 35 ग्राम फैट। अब ऑप्शन नंबर 18 है पनीर फ्राइड राइस और इसमें हमें ये सारे इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे। इसे हमें नॉर्मल फ्राइड राइस की तरह ही बनाना है, बस इसे हेल्दी बनाना है बिना किसी सॉस वगैरह के। अब इस हाई प्रोटीन पनीर फ्राइड राइस से हमें मिलेंगे करीब 833 कैलोरीज, 29 ग्राम प्रोटीन, 84 ग्राम कार्ब्स और 40 ग्राम के करीब फैट। अब ऑप्शन नंबर 19 है रोटी सब्जी और सब्जी भी पनीर की ही होगी। इस मील में हमें पनीर की सब्जी के साथ 4 रोटियां लेनी है। तो ये एक हैवी मील है और इसमें हमें मिलेंगे करीब 1006 कैलोरीज, 40.5 ग्राम प्रोटीन, 49 ग्राम कार्ब्स और 44 ग्राम फैट। अब ऑप्शन नंबर 20 है हम सबके फेवरेट यानी दाल चावल। जी हाँ, दाल चावल एक बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन डिश है। तो इसमें हमें लेनी है 100 ग्राम मूंग की दाल, जिसे घी का तड़का देकर पका लेना है और साथ में हमें लेने हैं 300 ग्राम पके हुए चावल। इस दाल चावल की थाली से हमें मिलेंगे करीब 917 कैलोरीज, 34 ग्राम प्रोटीन, 160 ग्राम कार्ब्स और 16 ग्राम के करीब फैट। अब आज का सबसे लास्ट यानी ऑप्शन नंबर 21 की बात करें तो यह है दाल रोटी। दोस्तों, दाल चावल की तरह दाल रोटी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर डिश है और इसमें कैलोरीज और प्रोटीन भी दाल चावल से ज़्यादा है। तो इसमें सेम दाल हमें बनानी है 100 ग्राम मूंग की, सिर्फ चावल की जगह हमें लेनी है 4 रोटियां और इस दाल रोटी से हमें मिलेंगे करीब 965 कैलोरीज, 42 ग्राम प्रोटीन,
और 19 ग्राम फैट। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये हमारे 21 देसी प्री और पोस्ट वर्कआउट ऑप्शंस हुए कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हाउ टू इंक्रीज हाइट विद 100% गारंटी। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद जय भारत।